एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य ग्वालियर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनके पास से पुलिस ने अलग अलग बैंक के 28 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। इसके अलावा एक अपाचे बाइक और 2100 रुपए नकद भी बरामद किए गए। पकड़े गए दोनों ठग धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस इनसे पूछताछ में जुट गई है। पकड़े गए आरोपियों पर 4 ठगी के मामले भी दर्ज हैं। दरअसल हजीरा सुभाष नगर निवासी 35 वर्षीय संगीता खोइया ने 3 सितंबर को हजीरा थाने में एक आवेदन देकर शिकायत की थी कि 1 सितंबर की शाम को वो बस स्टैंड एटीएम सुभाष नगर 4 शहर का नाका हजीरा से पैसे निकालने गई थी। एटीएम में जैसे ही उन्होंने अपना एटीएम कार्ड लगाया तो बटन दब नहीं रहा था। तभी वहां पर 2 अज्ञात लड़के खड़े थे। उन्हीं लोगों ने संगीता को बातों में उलझाकर धोखे से एटीएम कार्ड बदल लिया। जब महिला ने बदला हुआ एटीएम कार्ड मशीन में लगाया तो मशीन द्वारा एटीएम कार्ड को एक्सपायर बताया गया। जब महिला ने वापस मुड़कर देखा तो पीछे खड़े हुए दोनों लड़के एक बिना नंबर की नीले रंग की अपाचे पर बैठकर भाग गए थे। कुछ देर बाद जब पैसे नहीं निकले तब महिला घर पहुंची तो उसी समय संगीता के मोबाइल पर अकाउंट से 3600 रुपये निकालने का मैसेज आया। इसके बाद महिला को समझ में आ गया कि उसका एटीएम कार्ड बदलकर बाइक सवारों ने ठगी की है। तत्काल वे हजीरा थाना पहुंची और शिकायत की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सूचना मिली कि घटना में प्रयुक्त नीले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल लिए हुए युवक हजीरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एटीएम के पास देखे गए। इस पर पुलिस ने एक संदिग्ध लड़के से पूछताछ की तो लड़का घबरा गया। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास अलग अलग बैंकों के 15 एटीएम कार्ड मिले। जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो संदिग्ध लड़के द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालकर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया। पकड़े गए संदिग्ध का नाम पता पूछा गया तो उसने अपनी पहचान 34 वर्षीय शमशेर पुत्र जुम्मा खान निवासी मदीना कॉलोनी कोतवाली धौलपुर राजस्थान के रूप में बताई। सड़क के दूसरी ओर अपाचे बाइक लेकर खड़े उसके साथी को भी पुलिस ने दबोच लिया। उसकी पहचान 34 वर्षीय शमशाद खान निवासी सागरपाड़ा थाना कोतवाली जिला धौलपुर राजस्थान के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों ने 1 सितंबर को महिला के साथ एटीएम बदलकर घटना करना स्वीकार किया और उक्त एटीएम अपने पास होना बताया। दूसरे आरोपी से भी 13 एटीएम कार्ड मिले हैं। एटीएम बदलकर की गई ठगी की अन्य घटनाओं के संबंध में पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना हजीरा अंतर्गत अभी हाल ही में एक महिला द्वारा अपने साथ एटीएम बदल करके कुछ पैसे निकाले जाने की शिकायत की गई थी, जिस पर से थाना हजीरा में अभी दिनांक 1 सितंबर को 1 300 3184 की धारा में एक मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। उक्त अपराध में हमारी पुलिस की टीम लगातार आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। मुखबिर द्वारा मिली सूचना के अनुसार हमने 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है जो मूलतः धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और दोनों जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है। एक आरोपी जो शमशेर खान है उसके विरुद्ध 3 अपराध पंजीबद्ध हैं और शमशाद खान है उसके खिलाफ 1 अपराध पंजीबद्ध है। दोनों जिला धौलपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से हमने घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और कुल 28 फर्जी एटीएम कार्ड भी प्राप्त किए हैं और कुछ नकद राशि भी इनसे मिली है जो लगभग 2100 रुपये है जो उन्होंने उक्त महिला से एक एटीएम बदल करके 3800 रुपये का फ्रॉड उस महिला के साथ में किया था। साथ ही अभी ग्वालियर ज़िले में कुछ और भी इस तरह के वारदात हुई थी, उनमें भी इनकी भूमिका सामने आ रही है, तो संबंधित थानों के माध्यम से उन प्रकरणों में भी इन आरोपियों को गिरफ्तार कराया जाएगा। ये जो महिला के साथ में घटना हुई थी जो चार शहर के नाका में जो स्टेट बैंक का एटीएम है उसमें इन्होंने महिला को पैसे निकालने में कुछ परेशानी हो रही थी तो उस पर से इन्होंने मदद करने के नाम पे एटीएम के अंदर महिला के साथ में एटीएम बदल लिया और उक्त महिला का पासवर्ड भी धोखे से प्राप्त कर लिया कि वेब पे उसकी मदद कर रहे हैं। तो इस तरह इनका मोडस ऑपरेंडी रहती थी, लेकिन पुलिस ने अभी इनको दोनों युवकों को जो मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं गिरफ्तार करके जेल भेजा है और भी प्रकरणों में इनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं।